दीक्षु तो आप जाते जाते ना मुझे दो गद्दी वर्ड सिखा दो ना, जैसे हम आपको बड़ा मिस करेंगे। ये रस्में कितनी दिल को छूती है ना, बिल्कुल जैसे ये फैमिली ब्लॉग्स में हमारे दिल को छूती है। और रवि भाई के ये कदम बड़ी सारी जिम्मेदारियों में से एक और सबसे जरूरी जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे थे। तो चलिए फिर दीक्षु की शादी का ब्लॉग फनार के इस व्यू के साथ शुरू करते हैं। नमः शिवाय, नया दिन नया ब्लॉगड़ू। और ब्लॉगड़ू की शुरुआत इस जाने माने बैकग्राउंड के साथ, बिल्कुल मैं दीक्षु की शादी में हूँ और मेरे साथ जेरी भरमोरी और एलिन बाबा और ऋषु बाबा मेरे साथ है। हाय बाबा, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सो इस शादी में, गद्दी शादी में क्या क्या रस्म रिवाज होते हैं सब कुछ आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बाबा आज दीक्षु की शादी है यार, दाम नहीं खानी आपने? तो क्या ही बोले दोस्तों, खानी है ना, दाम बन रही है। आज दीक्षु की शादी है तो आपने डांस वांस नहीं करना यार? क्या ही बोले दोस्तों, पूरा छिंज के नाचेंगे हम, पूरा लिट्टी लिट्टी नचना पूरा। ऋषु बाबा आज दीक्षु की शादी है, रैप नहीं करोगे? रैप करेंगे, पाड़ी है बहुत बुरे कन्ना थलवांदे भाई। आए वो क्या ही बोले दोस्तों ना, क्या ही बोलूं दोस्तों, पाड़ी है बहुत बुरे कन्ना थलवांदे। बाबा आज दीक्षु की शादी है, काम ही यहाँ करते रहोगे या वहाँ ऊपर रस्मों रिवाज में भी जाओगे? मतलब क्या ही बोले दोस्तों, आज दीक्षु की शादी यार, चाय पीते रहोगे, जाना नहीं शादी में? क्या ही बोले दोस्तों। जो जो उठे यार, दीक्षु की शादी है। सो बाबा को मैंने एक भी पल फ्री नहीं देखा, बाबा इधर से उधर लगे हुए हैं। बाबा थक तो नहीं गए आप? इधर देखो बाबा, नीचे देखो बाबा, ओ तो बाबा डटे हुए हैं। और एक और काम मिल गया बाबा को ना, बाबा ऑन द मिशन, क्या ही बोले दोस्तों। ये देखो ये बंदा, मैंने फिर फ्री नहीं देखा, एक और काम मिल गया। वैसे फनार के इन पहाड़ों में धाम खाने का एक्सपीरियंस इन पहाड़ों की तरह ही सुकून देता है।
राजू बाबा कितना काम रह गया अब शादी का पेंडिंग? बस भाई आज तो कंप्लीट हो गया, अभी तो शाम के नहीं रात के 1-2 बज रहे, तो सब कुछ छोप के हो गया, अब सुबह होगा थोड़ा काम तो भाई। तो अभी जैसे अभी सुबह जैसे लड़की वाले जाएंगे, लड़की है ना? हाँ जी, हाँ जी भाई, उधर ही जाएंगे। ओके, सो अज्जू भाई आज पूरा सुबह नहीं, शाम के टाइम है, सुबह शाम के टाइम जाएंगे ना। ओके, सो बाहर का माहौल भी आपको दिखाता हूँ। गद्दी कल्चर में शादी पूरी तरह से शिव विवाह के रूप में की जाती है। खास बात यह कि यहाँ दूल्हा घोड़ी की जगह पालकी पर आता है। गद्दी शादी 3-4 दिन या इससे ज़्यादा दिन तक भी चल सकती है। यूं कहे तो रस्म और रिवाज कुछ इस तरह बनाए गए हैं ताकि रिश्तों को थोड़ा और करीब लाया जा सके और समझा जा सके। दीक्षु, तो आप जाते जाते ना मुझे दो गद्दी वर्ड सिखा दो ना, जैसे हम आपको बड़ा मिस करेंगे। इसको हम गद्दी भाषा में क्या बोलेंगे? मिंजो बड़े याद करा दे। एक और सिखा दो, जैसे मैं आज बड़ा खुश हूँ। हाँ, आपकी बड़ी याद, आपकी बहुत याद आएगी। तुंदी बड़ी याद है। थैंक यू।